बल्कि उसको राइट टू अस उसका ऐसा नाम मत दीजिए जो नाम ना हो, क्योंकि देयर इज नो डिसीजन फ्रॉम द साइड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जितना डिसीजन था उतना मैंने आपको बता दिया। सबरीमाला के केस में डिसीजन और सिर्फ का जो दिया गया थे 2015 इसमें भी राइट्स वर्षित की थी। ठीक है, तो एक आपने मोशन था, एक मोशन आपके सामने मैंने रखा राइट टू वर्शिप का। राइट टू वर्शिप को कहा गया कि दिस इज द फंडामेंटल राइट विच इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इफ दैट फंडामेंटल राइट एनी हाउ इज बीइंग इंटरफियर्ड बाय द रिलीजन आइदर इन द फॉर्म ऑफ द डॉक्ट्रिन और इन द फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है, देन here the court has the full power to examine the part of the religion also. क्योंकि religion में क्या religious autonomy दी गई। Article 25 of the constitution क्या देता है, religious autonomy देता है, religion को autonomy देता है, और ये कहता है कि कहीं भी कोई राज्य कोई state, do you know the meaning of a state? Particularly in relation to fundamental right. Article 12, definition of the state is given under the 12. So here it is very important that in the area of the religion, the state cannot interfere. आप जैसे चाहिए रहिए, नंगे रहिए, भूखे रहिए, जैसे मन करे वैसे रहिए, बाल बढ़ाइए, बाल कटाइए, कोई दिक्कत नहीं, no problem. Your religion is saying something. The state has no power to interfere. State here means legislature, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बोथ, गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोथ एंड जुडिशियरी ऑल्सो। जुडिशियरी इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन द आर्टिकल 12, बाद में क्या कहा गया जुडिशियरी ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 12। तो जुडिशियरी भी इंटरफियर नहीं कर सकती कहां, रिलीजियस मैटर में। फिर क्लियर कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए आप। लेकिन जुडिशियरी कब इंटरफियर कर सकती है, स्पेस दिया गया इन केसेस में, कब, जब आपका राइट टू वर्शिप प्रभावित हो रहा हो, इफेक्ट हो रहा हो, तो वहां पर स्टेट जो है वो रिलीजन में भी इंटरफियर कर सकती है, रिलीजियस मैटर को भी एग्जामिन कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई राइट ऑफ वर्शिप हियर, दिस इज द राइट व्हिच इज गिवन, दिस इज द सिविल राइट। एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सिविल राइट एंड व्हेन दिस सिविल राइट इज बीइंग इंफ्रिंज्ड बाय द रिलीजन, then court has the power to examine even the part of the religion also. again isme sabri mala mein jo decision diya gaya wo ye tha ki auraton ko mandir mein ghusna mana, particular age ke baad, theek hai, iska matlab kya hua, right of religion interfere ho raha tha kiske part par, रिलीजन के द्वारा इंटरफियरेंस हो रहा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसे इंटरफियर कर रही हैं, रिलीजियस डॉक्ट्रिन उसे इंटरफियर कर रही हैं, इसलिए कोर्ट को क्या पावर मिल गया, कोर्ट कैन एग्जामिन द पार्ट ऑफ रिलीजन आल्सो। ठीक है, तो ये प्रपोजिशन ऑफ लॉ लेट डाउन किया गया, जो केस मैंने आपको बताया था, क्या नाम है, यू आर यू बी यू सी, दिस इज द डिसीजन ऑफ 1968 सल्वाडोर। इसके बाद दूसरा डिसीजन सबरीमाला 2018, दो प्रपोजिशन दोनों में एक ही डेट, 2019 पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए उसको कोट करने की अभी जरूरत, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन। 2020 में 9 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो रही, पॉलिटिकल क्वेश्चन अभी, अनलेस एंड अंटिल सम डिसीजन कम्स आउट फ्रॉम दैट बेंच, दिस इज पॉलिटिकल। हमारी जुडिशियरी खुद पॉलिटिक्स कर रही है, वेरी गुड पॉलिटिक्स दे आर डूइंग, दे आर रनिंग
दे आर रेंडरिंग द जुडिशियरी जस्टिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ये दो रेजिम बड़ी खराब आई चीफ जस्टिस की. इन दोनों रेजिम ने गवर्नमेंट का मुंह देखते हुए डिसीजन सरेंडर किए हैं और ये डिसीजन अपरेंटली दिख रहा है. अब इनकी जो रेजिम आई चीफ जस्टिस की, इन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया. स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस के रूप में कुछ क्वेश्चन उठाकर रख दिए. किस लिए? गवर्नमेंट क्वेश्चन. मुस्लिम का क्वेश्चन है, मुस्लिम प्रभावित हो रहा है, तो अगर ये क्वेश्चन स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस के रूप में रखे जाएंगे तो नेचुरली इससे गवर्नमेंट क्या होगी? खुश होगी. और डिसीजन तो आप लोग कहेंगे कि ये डिसीजन जो है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए. अगर रिलीजन का पार्ट है, अगर मुसलमान खुश है किसी चीज में, उसको क्यों नहीं करने दिया जाए? उसकी भी अपनी आस्था है. Why they should not allow? नहीं, ये गवर्नमेंट का जो है आईना है, क्योंकि गवर्नमेंट का रुख इस समय हमारी जुडिशियरी देख रही है. अनफॉर्चुनेट हमारी जुडिशियरी ने वो लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं पहले. इवन फंडामेंटल राइट केस, क्या नाम है, शिवाराम शुक्ला वाला, एडीएम जबलपुर, शिवाराम शुक्ला. This was one of very important judgment which was being delivered by the Supreme Court, Indian Supreme Court. And fundamental right, it was put on the top. They never read the norms of the court. Right now, what our judiciary, our trained of Supreme Court right now is, they are reading the norms of the court. And speculative questions are being put according to the norms of the government and the decision will be given. ये भैया धोती आप prescribe कर रहे हैं मंदिर में घुसने के लिए, वो नहीं किसी को आहत हो रहा, हमारे पास 400 रुपया नहीं है धोती खरीदने के लिए, लेकिन हमें शंकर जी का दर्शन करना चाहते हैं. Why that it should also be in the form of speculative questions? ये भी होना चाहिए. इससे भी कोई डिप्राइव हो रहा. आपके यहां बहुत सारे ऐसे इंडिया में मंदिर हैं जहां पर ड्रेस कोड है, आप लोग जान रहे हैं. हम बिना ठीक नहीं है, बेटर टू से डायरेक्टली. बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर ड्रेस कोड है. अगर आपके पास वो ड्रेस कोड नहीं है तो यू कैन नॉट एंटर इन द टेम्पल. वेदर दिस कैन नॉट बी स्पेकुलेटिव क्वेश्चन, वेदर राइट ऑफ वर्शिप हैज नॉट बीन इंफ्रिंज. सबरीमाला का मंदिर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि विमेन को खुश करना था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेकिन वहीं दूसरे साउथ में मंदिरों में जहां ड्रेस कोड बना हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल न्यूट्रल. व्हाई दिस इज सो? क्यों भाई, आप बिना ड्रेस कोड के यू कैन नॉट एंटर. इट मीन्स व्हाट? फर्स्टली यू हैव certain economic strength to spend some money. ये discrimination नहीं है right of worship में. ये religious practice के जो है against नहीं है. These are the open question I am putting before you. This is also interfering in the right of worship. This should also resolve by the judiciary, Supreme Court. एक और case है metropolitan का. ये केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम बता देते हैं आपको. नाम मैं लिख के लाया हूँ. पीएमए मेट्रोपॉलिटन केस. पूरा नाम तो मैंने नहीं पाया. पी डॉट एम डॉट ए पीएमए मेट्रोपॉलिटन. दिस वाज द केस. दिस वाज आल्सो फ्रॉम द साउथ इंडिया. ए पर्सन वाज बीइंग एक्सकम्युनिकेटेड फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रेयर्स. A person was being excommunicated from spiritual prayer. Spiritual माने जो वहां prayer हो रहा था, उस prayer से एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया? उन्हें निकाल दिया गया. ठीक है. Here again the decision was given by the Supreme Court. Very good decision was. कि here excommunication
फ्रॉम स्पिरिचुअल प्रेयर डज नॉट ओनली मीन दैट दिस इज द रिलीजन एंड रिलीजन शुड डिसाइड. When a person is being deprived of from prayer, it means what? He is deprived of from right of worship. And in this case, right of worship has been declared as a civil right. Bahut important case hai ye. In this case, right of worship has been declared as civil right. And even excommunication from religion, it is not confining only to the religion, but it relates with the right of worship. So, बहुत important ये decision दिया गया. लेकिन हमारे यहाँ dress code बने हुए हैं, बाल छिलवाएंगे तभी मंदिर में enter करेंगे, धोती पहनेंगे तभी मंदिर में enter करेंगे, but it is unfortunate that this question not came to the Supreme Court or any court in late. This is unfortunate. हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सुन रहे धोती जो ड्रेस कोड बनने जा रहा है, हो गया? नहीं हुआ. अरे देखिए, डिसीजन तो हम लोगों के हाथ में नहीं, डिसीजन तो उनके हाथ में है जो रिलीजन जिनके पास है. रिलीजन हमारे पास नहीं. रिलीजन पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रिलीजन में क्या होगा वो हमारे पास नहीं. वी कैन नॉट हैव अथॉरिटी टू चेंज द प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिस चेंज करने के लिए यहाँ कुछ लोग धुरंधर लोग हैं, बैड नेम नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सीरियस और व्यक्ति है लोगों को. लेकिन आप देखिए, दिस थिंग्स आर बीइंग डन हियर. यू आर ऑल द एडल्ट पर्सन, यू शुड एनालाइज इट वेरी क्लोजली कि वेदर आवर जुडिशियरी इज ट्रेवलिंग इन राइट पाथ और नॉट. जब आप गवर्नमेंट को खुश करने के लिए स्पेसिफिक क्वेश्चंस बनाएंगे, हम कहां जाएंगे, जनरल पब्लिक कहां जाएगी? अल्टीमेटली गवर्नमेंट कोई काम करती है जिससे कि जनरल पब्लिक आहत होती है, सब उसको कुछ जो है डैमेज होता है, तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में जाती है. और हमको पता लगे कि कोर्ट तो पहले से मुंह बंद करके बैठी हुई, या कहाँ मिलेगी रेमेडी? आज तो मुसलमानों का मामला है, हम चुप हैं या खुश हैं? दोनों. कुछ हिंदू सेक्शन खुश है, कुछ हिंदू सेक्शन हमारे जैसा चुप है. लेकिन अल्टीमेटली इसका रिजल्ट कहां जाएगा? अल्टीमेटली इसका रिजल्ट जाएगा कि हम जो जनरल पब्लिक है, अगर वहां से जुडिशियरी से भी रेमेडी नहीं, जस्टिस नहीं मिलेगी, तो वेयर वी विल गो व्हेन आवर जुडिशियरी बिकम्स पपेट ऑफ द गवर्नमेंट, वेयर वी कैन गेट. चलिए, हम लोग का जो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें, इसी रिलेशन में, अब ये अपने दिमाग में बैठा दीजिए, देयर आर टू टाइप ऑफ केसेस. वन केस विच रिलेट टू द डिग्निटी, अनदर केस विच रिलेट टू द सिविल राइट्स. राइट इंक्लूड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट इंक्लूड ऑफिस and any other right which is being actually provided by the law, all shall be included in the form of the right. है कि नहीं? तो ये अगर right कहीं involved हो गई, तो ये क्या होगा? This will be a civil case and the civil court has power to try it and give the decision. Jurisdiction lies within the civil courts. इसमें अगर कहीं रिलीजियस मामला आ गया, तब ये क्वेश्चन उठेगा कि ये क्या होगा.
इसीलिए बड़ा क्लियर सेक्शन 9 में लिखा है, अगर राइट का मामला कहीं है, दूसरा रिलीजन का मामला कहीं है, हम एकदम जो वर्ड बोल रहे हैं जनरलाइज करके बोल रहे हैं, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी मींस दिस इज द रिलीजियस मैटर, राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफिस इट इज द सिविल मैटर, और यू कैन से मैटर व्हिच इज रिलेटेड विद द राइट, जहां दोनों में अगर एक मुकदमे में दोनों है तो सेक्शन 9 बड़ा सीधा कहती है वो मुकदमा क्या माना जाएगा, वो मुकदमा जो है सिविल मुकदमा माना जाएगा और सिविल कोर्ट को पूरा ज्यूरिडिक्शन है उसका डिसीजन देने का। अब आप किताबों में पढ़ लीजिएगा उसको, हम एक एक यहाँ पर आपको बतावे तो दिस इज द किलिंग ऑफ द टाइम, उसमें आप एग्जाम्पल्स में पढ़ लीजिएगा सैलरी एरिया क्या क्या लिखा हुआ है, दीज आर ऑल द मैटर व्हिच आर रिलेटेड विद द राइट्स। अच्छा, राइट टू रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन लिखा हुआ, वेदर दिस इज द सिविल राइट और दिस इज द राइट ऑफ रिलीजन, भाई आप रिलीजियस प्रोसेशन निकालते हैं, सरस्वती जी की पूजा हो गई, अब सरस्वती जी की आप क्या करेंगे, प्रोसेशन निकालेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ से हो सकता है कि वो क्या कहते हैं जो निकलता था दिया, ये क्या मैटर है व्हेदर द प्रोसेशन इज बीइंग केम आउट, व्हेदर दिस इज रिलेटेड विद राइट और दिस इज रिलेटेड विद रिलीजन, दिस इज रिलेटेड विद राइट, ये राइट है तभी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या पावर मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन उसे रेगुलेट कर सकता है, कितने बजे आपका ताजिया जाएगा और कितने बजे सरस्वती जी की मूर्ति निकलेगी, नहीं तो क्या होगा आमने सामने हो गए तो अच्छा, दूसरा राइट टू बरियल, बरियल माने दफनाने का अधिकार, अंतिम संस्कार करने का अधिकार, आप लोग क्या हमारे यहाँ लोग मरते हैं तो क्या करते हैं, नदी किनारे जाते हैं और डेड बॉडी को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं फायर के तौर, रिलीजियस राइट, नॉट दिस इज रिलीजियस, दिस इज द राइट रिलेटेड विद द सिविल मैटर, बिकॉज द पर्सन हु आर किलिंग, अगर किसी ने मुर्दे के चक्कर में मुर्दे का अपमान कर दिया तो अपमान मुर्दे का नहीं होता, आप लोगों ने टाट में भी पढ़ा होगा, आईपीसी में नहीं टाट, आईपीसी में मुर्दा बड़ा बड़ा क्या मार डिफेमेशन, देखिए डिफेमेशन के दो चेहरे हैं, डिफेमेशन इंक्लूडेड इन द क्रिमिनल लॉ, डिफेमेशन आल्सो इंक्लूडेड इन द सिविल मैटर, अगर आपको दूसरे को पनिश कराना है तो आप क्रिमिनल लॉ में डिफेमेशन को मूव कर जाइए, क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट डिसीजन देंगे पनिश होगा वो व्यक्ति जिसने डिफेमेशन किया, अगर आपको डैमेजेस चाहिए तो सेम डिफेमेशन क्या होगा सिविल मैटर माना जाएगा, आप चार्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं और कंपनसेशन, ठीक है। तो देखिए राइट टू बरियल, राइट टू डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी, ये सारे के सारे सिविल मामले हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, जो व्यक्ति जिंदा है उनकी रेपुटेशन से रिलेटेड है, जो मर गया हो तो गया, आपके मान लीजिए आपके हम कोई डेड बॉडी हुई तो डेड बॉडी का रिलेशन किससे है, आपसे है, अगर उसके डेड बॉडी के डिस्पोजल में कोई इंटरफेरेंस कहीं से होता है तो किसकी डिफेमेशन होती है, इंसल्ट किसकी होती है, आपकी होती है, डेड बॉडी क्या है, डेड बॉडी तो चली गई, ठीक है। तो ये सब किताबों में पढ़ लीजिएगा, आपके किताबों में बकायदे चार्ट बनाया होगा, सब किताबों लिखा होगा सूट ऑफ सिविल नेचर, उसमें 20 तो एग्जाम्पल दिए होंगे, एंड सूट ऑफ नॉट सिविल नेचर 20 एग्जाम्पल होगा, उसे पढ़ लीजिएगा, फंडामेंटल मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, फंडामेंटल क्या है, मुकदमे में अगर राइट्स का क्वेश्चन इन्वॉल्व है, भले ही रिलीजन उसमें भी रिलीजन क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो तो भी मुकदमा किसका माना जाएगा, सिविल नेचर का माना जाएगा, दिस इज द लेटेस्ट नोशन
of the decisions of the court. Without? No, sir. No, sir. ठीक है. तो रिलीजियस मैटर्स जो है रिलीजन को ऑटोनोमी दी गई है. जैसे अगर कोई मूर्ति है, मूर्ति को भोग लगाना है, मूर्ति के गर्भगृह में एंटर करने तक का, देखिए आप एक लेवल तक ही राइट टू वर्शिप एक्सरसाइज कर सकते हैं. राइट टू वर्शिप में ये नहीं है कि हम जाके हनुमान जी का जहां होगा गर्भगृह वहीं जाएंगे वहीं पूजा. नो, दिस इज नॉट योर राइट. दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलीजन. किस लेवल तक जनरल पब्लिक एंटर कर सकती है, दिस इज द राइट ऑफ वर्शिप. कहां रुकेगी, दिस इज द राइट ऑफ रिलीजन. अब आप किसी दिन संकट मोचन में पहुंच जाइए और कहिए नहीं हम हनुमान जी के घर वहां तक जाएंगे, नहीं, ये हमारा अधिकार राइट टू वर्शिप. नो, दिस राइट ऑफ वर्शिप मे बी चैनलाइज एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द रिलीजन टू चैनलाइज इट, बट दे कैन नॉट डिप्राइव एनी पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ वर्शिप. ये फंडामेंटल मोशन है. कोई दिक्कत समझ में? तो जैसे कुछ केसेस आपको मिलेंगे जिसमें ये है कि पारसीज में और क्रिश्चियंस में स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर उनका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होता है, वो घुसते हैं और उसे पढ़ते हैं. क्रिश्चियन भाई भी पढ़ता है चर्च में घुस के, पारसी भी अपना स्क्रिप्चर पढ़ता है. कहाँ पढ़ेगा, किस हाल में बैठ के पढ़ेगा, ठीक है, वेदर दिस इज पार्ट ऑफ राइट. ये रेगुलेशन किसके द्वारा होगा, रिलीजन के द्वारा. किस हाल में मूर्ति लगेगी, किस हाल में मूर्ति नहीं लगेगी, कहां पर जो है स्थापना होगी, कहां पर स्थापना नहीं होगी, एवरी मैटर्स हैव बी पार्ट ऑफ द रिलीजन. बट राइट ऑफ वर्शिप, यहां सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस समय यही है, राइट ऑफ वर्शिप. अगर राइट ऑफ वर्शिप से डिप्राइव हुआ कोई भी आदमी, तो ये उसका सिविल राइट का डिप्राइवेशन होना जाएगा और कोर्ट पूरी तरह से फ्री है कि रिलीजन को एग्जामिन कर सके. ठीक है, एनी मोर डाउट? ये तो एक्सप्लेनेशन वन का कथा हो गया. अभी ये कथा और बाकी है क्या, एक्सप्लेनेशन टू. एक्सप्लेनेशन टू में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस से संबंधित, इन रिलेशन टू ऑफिस, whether any fee is attached to the office or not, whether the office is attached to a spot, kya spot hai, kya particular place or not. Okay, if there is a contest of the office, all kind of the office will be treated as civil nature. Ye do shabd kyun likhe gaye bhai, right to fee और राइट टू, नहीं, अटैचमेंट ऑफ अ रिलीजियस प्लेस एट ए पर्टिकुलर स्पॉट, ये क्यों लिखा गया भाई? असल में ये 1976 में अमेंडमेंट हुआ, एक्सप्लेनेशन टू एक्ट किया गया. 1976 के पहले की पोजीशन देख लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक्सप्लेनेशन टू क्यों आया, व्हाट इज द रीजन, क्या था. इन्होंने कहा ऑफिस, ऑफिस वाले पद, ऐसा पद जिससे कोई फी अटैच है, फी माने जो सर्विस वो देगा उसका फी चार्ज करेगा. अगर किसी पद से, जजेस का पद क्या है, अगर आपसे जजेस से निर्णय चाहिए तो क्या देना पड़ेगा आपको, कोर्ट फीस देनी पड़ेगी. इसलिए जजेस का ऑफिस क्या हो जाएगा, इन्होंने कहा ये ऑफिस हो जाएगा. जहां जहां ऑफिस से फी अटैच है, काजी का कोर्ट का अगर आपको जजमेंट लेना पड़ता था पहले, फी दीजिए. आप कहीं भी एप्लीकेशन लगाते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव के यहां, तो भी मोस्टली फी आपसे चार्ज किया जाता, भले ही वो नॉमिनल हो. कहेंगे 1 रुपया के स्टाम्प पेपर पर जो 10 रुपए की, उस पर आप लिख के दे दीजिए, क्या है 10 रुपये, 1 रुपया क्या है, दिस इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ द फी. तो अगर किसी ऑफिस का जिसकी सर्विस आपको देनी है, अगर वहां फी अटैच है, फी इज अटैच for rendering the services of any office, the office was being categorized as civil nature. And if any office where the services, you want to take the services, no fees is attached. कौन सा ऐसा ऑफिस है भाई, जो फीस नहीं बिना आपको सर्विसेज मिलती हैं? जितने भी रिलीजियस मंदिर हैं, संकट मोचन में गए दर्शन करने, क्या पुजारी पैसा लेता है?
तब आपको प्रसाद देता है? नो नो फीस इज दैट। खुश हो गए आप, आज आपको नंबर मिल गया, बढ़िया, गुरु जी ने नंबर दे दिया, आप खुश हो गए, गए 10 रुपये डाली है। और नहीं, जिस दिन खेलना है उस दिन हनुमान जी को कहेंगे आपसे क्या बताएं, आपने हमारा वो काम भी नहीं किया, हम फेल हो गए, पैसा डालने तो बाकी छोड़ देते हैं। तो वेयर द सर्विसेज विच इज रेंडर्ड बाई एनी ऑफिस एंड देर इज नो एनी फीस अटैच फॉर द सर्विसेज, इट वॉज क्लासिफाइड दैट if any contest is being made in regard to that office, it was not being classified as suit of civil nature. 1976 के पहले की पोजीशन बता रहे हैं। दो तरह के ऑफिस हो गए, एक ऑफिस में सर्विस लेनी है फीस देना, दूसरा ऑफिस में सर्विस लेनी है फीस देने की जरूरत नहीं, बनकर फीस दीजिए बनकर मत दीजिए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन इसलिए बनाया गया था कि कुछ हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया था जहां फी अटैच है किसी ऑफिस से वही सिविल नेचर का डिस्प्यूट होगा, और वह ऑफिस जहां से कोई फी नहीं अटैच होती थी अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होता था तो उसको सिविल नेचर नहीं मानते थे। अब यह डिस्टिंक्शन क्या किया गया एक्सप्लेनेशन के बाद, नाउ इट हैज बीन रिमूव, चाहे फी किसी ऑफिस से अटैच हो चाहे ना हो, अगर वो ऑफिस कंटेस्ट किया जाता है तो क्या होगा, वो सूट ऑफ सिविल नेचर होना चाहिएगा। एक और चीज बच गई भाई, पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। आप क्या देखिए ऑफिस कहां से अटैच है, पर्टिकुलर प्लेस से भी अटैच है, वैष्णो देवी, वैष्णो देवी बनारस में नहीं आ सकती है, आ सकती है, बना दीजिए मंदिर आ जाएंगे, लेकिन वो मान्यता नहीं होगी जो वैष्णो देवी जम्मू में है, वो पर्टिकुलर प्लेस से अटैच है। तो पहले भी हाई कोर्ट के डिसीजंस थे कि अगर कोई ऑफिस किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच हो, यानी अगर वैष्णो देवी के महंत का मामला कंटेस्ट होता था जो किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच है, क्या होगा, आगे वो सूट ऑफ सिविल नेचर का होगा, ठीक है। तो जैसे वैष्णो देवी संगम, संगम कहा बनारस में नहीं हो सकता, बनारस में भी तो मिल नहीं, दो नदी तीसरी तो सूखी गई है, बरगुड़ा और 80 नहीं 80 गंगा दोनों मिल रही है, यहाँ मिल रही लेकिन संगम यहाँ नहीं है, और सरस्वती की तो सूखी नहीं है, सारी सरस्वती जी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सूख लिया, ठीक है। तो सरस्वती भी ही बनारस है, बट दिस इज अ प्लेस आप कह सकते हैं संगम है, लेकिन संगम का नाम देते हैं तो क्यों इलाहाबाद नहीं करते, दिस इज द पर्टिकुलर प्लेस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। संगम भी स्थापित होता तो वहां भी ऑफिसर बनते हैं, किस चीज के, मेरा लगता है अखाड़ा तो रिलीजियस मैटर है, लेकिन वहां पर जो सेकुलर ऑफिसर बनते हैं, मेरा अधिकारी हो गया आपको डिप्राइव कर दिया, नहाने नहीं दिया, अरे नहीं तुमको नहीं नहाने देंगे, बड़ा अच्छा बदलू कर रहे हो, डिप्राइव कर दिया, तो ये भी तो राइट ऑफ वर्शिप ही है, दिस इज डिप्राइवल, दिस इज ऑल्सो राइट ऑफ वर्शिप, हमारी आस्था है कि हम संगम पर नहाए। पुराने आदमियों को पता नहीं अब आप लोग देख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उस जनरेशन के आदमी भी खत्म हो गए, संगम की इतनी मान्यता थी कि लोग पैदल चल के गांव से और संगम नहाने आते थे, अभी भी हमने वो वाले पीढ़ी खत्म है, चलिए अगर है तो बहुत अच्छी बात है, 50 किलोमीटर तक तो होगा, मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ जो हजारों किलोमीटर से यहाँ पैदल चल के संगम में नहाने पर्टिकुलर डेज में आते थे, अब नहीं, अब तो ट्रेन चल पड़ी, हवाई जहाज भी चल पड़े, तो लेकिन सवाल ये उठता कि हमारा क्वेश्चन यहाँ दूसरा है, एक तो ऑफिस ऐसा होगा जो पर्टिकुलर प्लेस से अटैच हो गया,
अगर संगम अथॉरिटी ने किसी को डिप्राइव किया और मुकदमा दायर हुआ, मुकदमा क्या होगा? ठीक है, अगर आप वैष्णो देवी गए और दर्शन नहीं करने दिया गया, मुकदमा क्या होगा? सूट ऑफ सिविल नेचर। काशी विश्वनाथ मंदिर एक जगह से अटैच है, ऐसा नहीं कि उनको जहां चाहिए वहां उठा के रख दीजिए। अगर रख दिया जाए तो इतना पैसा क्यों लगाया जाता, कॉरिडोर क्यों बनवाया जाता? इट मीन्स दिस इज अटैच विद द ऑफिस इज अटैच। वहां के अगर किसी भी पोस्ट के लिए विवाद होता है काशी विश्वनाथ के, तो वो माना जाता था पहले 1976 से पहले, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस से अटैच था, इसलिए विवाद अगर होता था तो उसे सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाता। कुछ ऑफिस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्लेस से नहीं अटैच होते। कौन से ऑफिस? आप लोग अगर रूरल बैकग्राउंड है तो इसको बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। रामलीला होती है दशहरे के आसपास, जरूर नहीं दशहरे के लिए, गांव में कभी कभी दशहरे के बाद भी होती है रामलीला। क्यों? रामलीला ग्राउंड में पानी भर गया, कहाँ रामलीला कराएं? किसी के घर पे करवाएं या कहीं ऊंची जमीन हो तो करवाएं? ये कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। मान लीजिए रामलीला ग्राउंड में पानी भर गया, उस दिन बहुत बरसात हो गई, रामलीला कहाँ होने लगती? दूसरे प्लेस पर। लेकिन रामलीला होने के लिए ऑफिस तो है, रामलीला समिति तो है, उसमें सेक्रेटरी का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है। अगर वो कंटेस्ट होता था तो 76 से पहले डिसीजन जो हाई कोर्ट ने दिए, कहा क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस से नहीं अटैच है, इसलिए क्या होगा, ये ऑफिस अगर कंटेस्टेड होगा तो ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं माना जाएगा। एनी डाउट? वो दो तरह के ऑफिस हो गए, एक पर्टिकुलर प्लेस से अटैच और दूसरा किसी पर्टिकुलर प्लेस से अटैच नहीं। अब ये जो विवाद 1976 से पहले हाई कोर्ट ने क्रिएट किया था वो क्या हो गया? नाउ इट हैज बीन सेटल्ड। अब क्या कह दिया गया, चाहे पर्टिकुलर प्लेस से कोई ऑफिस अटैच हो या ना हो, कोई फीस ऑफिस से अटैच हो या ना हो, अगर कोई कंटेस्ट होता ऑफिस के बारे में तो क्या माना जाएगा? सभी सूट ऑफ सिविल नेचर मानी जाएगी। दिस इज एक्सप्लेनेशन टू। Any doubt? I don't understand. Office being attached to a particular place means that any office which is attached with any spot, just like Vaishno Devi Mandir. Vaishno Devi Temple, this is the temple which is attached to a particular place. Aisa nahi Vaishno Devi, it is not possible to have Vaishno Devi in Banaras. It is attached with particular. So if any contest is being made regarding the office of Vaishno Devi, it was being decided that this is the civil nature. But suppose the office is not attached with a particular place, just like Ram Leela committee. तो यू नो रामलीला कमेटी साउथ में तो होता नहीं, राम जन्म साउथ में बुल रेस, डू यू नो द बुल रेस, वेदर बुल रेस इज अटैच विद अ पर्टिकुलर प्लेस? No, where the space will be there, there will be arranged the bull race. But in order, please do not talk. बात मत करो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो गलत है, आपके सामने समस्या आ सकती है। Try to understand. Suppose the bull race, it is being organized. Who can organize? Committee should be there. But the bull race not required to be took place at any place. Particular place is not attached. And suppose contest is being made to the office of the bull race committee. So it was decided that this was not a suit of civil nature. But after the amendment of 1976, the distinction is removed. Whether fee is attached with the office or not,
whether office is attached to a particular place or not, if office is contested, it shall be suit of civil measure. Now, we have completed a section 9. Sir, civil suit or suit of civil measure? क्या दोनों different है? नहीं नहीं दोनों एक ही है. कोई अंतर? एक अभी इसमें पूछ बच गई है. Tail is remain. What is that? नहीं नहीं expressly or impliedly barred. एक ही लिखा होगा ना section 9 में है. Now is done. Either expressly or impliedly, but there are certain civil matters, but the civil court cannot take the cognizance of that matter. Why? They are being barred. Barjit kiya gaya hai. ठीक है? Barjit किसके द्वारा हुआ है? अब इसमें देखिए expressly or impliedly barred word लिखा हुआ है. सेक्शन 9 का लास्ट अगर आप तीन वर्ड पढ़ें एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड. एक्सप्रेसली मींस एंड इंप्लाइडली मींस. एक्सप्रेसली माने एक्सप्रेसली मींस व्हेन इट इज बार्ड आइदर बाय लॉ और बाय क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्स. एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ if any legislation has been made and the jurisdiction of the jurisdiction of the civil court, it is being barred. What are the example? Best example law are there at tribunal, so that is the creation of a legislation in the uska matlab ye hai to bhi, lekin tribunals are being created impliedly. It was considered that they are barring the jurisdiction of the civil court. Here actually by law it is prohibited that these matters shall not be decided by the civil court. Example, no. Here example is very clear. Here law we have UP Jamindari Abolition and Land Reform Act. Now it is called as the UP Revenue Code. Clear? 2006. Here we have a specific provision that if in any suit revenue matter is being subject to revenue matter, revenue means rajasv. If there is any question which is related with the revenue, here under the UP Revenue Code it is expressly written that the civil court cannot decide that matter. Which court will decide? Revenue court shall decide the matter. Who are the revenue court? Tahsildar, SDM, DM, overall revenue board. They are being classified as a revenue courts and they have a power to decide the matter pertaining to revenue. Revenue mane kya hota hai? जानना जरूरी है. आप कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी है एग्रीकल्चरल में. यूपी जड़े जब हुआ था तो सारी लैंड वेस्ट कर गई कहां? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट ने फिर उस लैंड का अलॉटमेंट किया. भूमिधर बनाए, ठीक है? उस समय चार बनाए थे, भूमिधर, सिरुधर, आदिवासी, आसामी. और धीरे धीरे खत्म करते हुए अब कितने रह गए? तीन है. भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉट ट्रांसफरेबल राइट एंड आसाम, ठीक है? तो नॉट टेन्योर होल्डर्स आर थ्री काइंड्स. हियर it is expressly barred that any matter pertaining to collection of the tax in relation to agricultural property. If there is any dispute, then the dispute cannot be decided by civil court. It is required that it should reach to revenue courts.
Are you understanding? The second one, Ibeku property. Do you know the concept of Ibeku property? Right. जब पाकिस्तान का और भारत का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ पाकिस्तान से भारत, तो प्रॉपर्टी भी अपनी ले आए थे, घर और ले के आए थे. दिस इज इमोरल प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान से जो इंडिया आए वो बेचारे जान बचा के चले, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए उनकी भी वही हालत थी कि वो भी यहाँ से रिमोट प्रॉपर्टी छोड़ के चले. उन प्रॉपर्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, इबेकू प्रॉपर्टी. इबेकू माने खाली कर दिया, ठीक है, इबेकू प्रॉपर्टी. अच्छा, कौन सी इबेकू प्रॉपर्टी होगी, हु विल डिसाइड? हियर पावर इज गिवन to the Ibeku courts. They can only decide that this is the property of the Ibeku property. The matter cannot go to civil court. Enactment ka naam hai Administration of Ibeku Property Act. Usme bataya gaya bada seedha section 7 mein. Ibeku property kaun hongi? Who will decide? Kaha gaya? Ibeku court shall decide. This matter cannot be decided by civil court. Achha, ek aur hai. Motor vehicle act. Motor vehicle act particularly section 68C and D. Agar usme jaye aap, to motor vehicle se agar koi bhi durghatna hui hai, it is also a civil matter. आपको दुर्घटना हुई, डैमेजेस चाहिए, पैसा चाहिए, जब पैर टूट गया तो और मर गए तो आप तो नहीं लेंगे, आपके जो हेयर होंगे वो लेंगे. तो कुल मामला क्या, सिविल राइट का मामला. इवेकू प्रॉपर्टी भी क्या होता है, सिविल राइट का मामला है. क्यों, प्रॉपर्टी का मामला है, राइट टू प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, सिविल ठीक है. इसी तरह यूपीजेडे में वो भी जो है लैंडेड प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके अगर मालगुजारी का रेवेन्यू का मामला है तो सब किससे रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेकिन सिविल कोर्ट को यहाँ ज्यूरिडिक्शन नहीं मिला. क्यों, ज्यूरिडिक्शन हैज बीन एक्सप्रेसली बार्ड बाय लॉ, ठीक है. तो मोटर व्हीकल एक्ट में 68 सी और डी में मोटर एक्सीडेंट क्लेम कहाँ चलेंगे, कहा गया मोटर एक्सीडेंट क्लेम केवल जो है वह मोटर व्हीकल जो ट्रिब्यूनल्स है उनमें चलेंगे, सिविल कोर्ट में नहीं चलेंगे. तो लॉ के द्वारा ये प्रोहिबिशन. अब जैसे पंचायत का मामला है, ग्राम पंचायत हो ग्राम, ये मुकदमे कहां चलेंगे, ये भी मुकदमे कहा गया सिविल मैटर नहीं है, ये मुकदमे वहीं चलेंगे जहां पर के लेजिस्लेशन में लिखा हुआ है. तो एक्सप्रेसली बार्ड, एक्सप्रेसली बार्ड का पहला हेड व्हेन बार्ड बाय लेजिस्लेशन और लॉ. इसका दूसरा, व्हेन स्पेशल कोर्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड, व्हेन द स्पेशल कोर्ट्स आर बीइंग क्रिएटेड फॉर एनी स्पेशल मैटर, देन नेचुरली द सिविल कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई द केस. एग्जांपल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अलग से जो है वो कंज्यूमर फोरम्स बन गए हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड मामला, वो भी सिविल ही है. आपने सामान खरीदा बेकार निकल गया, डैमेजेस चाहिए, दिस इज द सिविल मैटर, बट कोर्ट हैज नो ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन इट. हां, इलेक्शन परिवहन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन से रिलेटेड कि जो मामले होंगे कहां जाएंगे, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, सिविल कोर्ट में नहीं जाता. ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हाँ, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, सारे ट्रिब्यूनल्स क्या हैं, इवन ट्रिब्यूनल्स में जितने भी ट्रिब्यूनल कायम हुए हैं, ये सिविल मैटर को क्या करते हैं, बार्ड करते हैं, सिविल कोर्ट इनका ज्यूरिडिक्शन नहीं दे सकती. तो दिस इज द सेकंड, एस्पेशली बार्ड का सेकंड एग्जांपल, क्रिएशन बाय क्रिएशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स. ठीक
ठीक है, ये एक्सप्रेसरी पार्ट, एक्सप्रेसरी पार्ट माने लॉ के द्वारा बना है, लॉ या तो डायरेक्टली बना है या स्पेशल कोड कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उससे क्या हो गया सिविल कोड का जुरिडिक्शन बार्ड हो गया। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो सीधे जाएगा वहां ना, वो जनरल सिविल कोड तो, हाँ ये भी आर्बिट्रेशन एक्ट में भी सेक्शन 8 है और सेक्शन 8 में बड़ा साफ लिखा हुआ, अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज कहीं है तो मामला किसके द्वारा निर्णय होगा, आर्बिट्रेटर्स के द्वारा, ये नॉर्मल कोर्ट में नहीं। अगर नॉर्मल कोर्ट में गए भी तो नॉर्मल कोर्ट क्या करेंगे सेक्शन 8 में मामले को रेफर करने की आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब इंप्लाइडली बात, इंप्लाइडली बात माने कोई लॉ नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है, लेकिन ये इंप्लाइडली बात किया गया। कैसे इंप्लाइडली बात? दो तरह से होता है, एक तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जनरल प्रिंसिपल, और दूसरे पब्लिक पॉलिसी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ? दिस इज द जनरल प्रिंसिपल, आई थिंक यू हैव आल्सो रेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो इन द कॉर्ट, सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन, पढ़े हैं? यस सर। In part, this is also classified, this is sovereign and this is not. So if any function which is come under the category of the sovereign function, normal court cannot take the jurisdiction. Sovereign function means those function which can only be exercised, which can only be performed by the government. It cannot be performed by other than government. गवर्नमेंट एजेंसी ये कैन ओनली परफॉर्म, क्लियर? तो दिस इज एक्चुअली जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल इज इफ एनी फंक्शन विच इज कैटेगराइज्ड एज सॉवरेन फंक्शन, पर माधुचंद का भी केस हुआ था इस पर, और उसमें ये कहा गया कि सो फार एज लाठी चार्ज इज कंसर्न, उसमें कहा गया लाठी चार्ज, कहा गया नहीं वो कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है। अब अगर लाठी चार्ज किया और किसी की टांग टूट गई तो गवर्नमेंट इज आल्सो बाउंड टू पे कंपनसेशन। तो वहां भी अब अलाउ कर दिया गया जहां पर किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया जाता है, गवर्नमेंट इज बाउंड टू पे कंपनसेशन। लेकिन इन स्पाइट दैट देयर आर सर्टेन फंक्शंस व्हिच आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द सॉवरेन फंक्शन मेंटेनिंग सम मिलिट्री, मिलिट्री आज भी क्या है सॉवरेन फंक्शन। मिलिट्री मान लीजिए चली आपके खेत में गुजर गई, कंपनसेशन मिलेगा? डैमेजेस हुआ खेत का तो भी, ये तो हो गया जनरल प्रिंसिपल। नाउ द सेकंड इंप्लाइडली बात, पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी में ये कहा गया कि इफ एनीथिंग व्हिच इज इलीगल और इमोरल इट कैन नॉट बी इन्फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी क्या लिखा हुआ, अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा। इट मींस व्हाट? दिस इज इंप्लाइडली बार्ड एंड सिविल कोर्ट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दैट मैटर। दिस इज इंप्लाइडली बार्ड पब्लिक पॉलिसी। एक और इसमें है, उसको कहते हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन। What is meaning of political question? There are certain questions under the constitution. That question can only be, decision can only be taken by particular authority. Again, war like situation, who declare karega? President. अब आप इसको जो है क्या सिविल कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं? नो, दिस इज द पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, प्रेसिडेंट प्रोमल्गेट कर दिया कि एक्सटर्नल एग्रेशन है, वार की सिचुएशन है, इट इज सफिशिएंट, इट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ द स्टेट इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा, रिकग्निशन के चैप्टर में
किसी स्टेट जो नया राज्य आया है उसे रिकॉग्निशन दिया जाए या न दिया जाए कौन डिक्लेयर करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा एंड इट कैन नॉट बी सब्जेक्ट मैटर व्हिच इज बीइंग डिसाइडेड बाय पॉलिटिकल क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी एग्रीमेंट करती है दे आर आल्सो नॉट इनफोर्सेबल. मान लीजिए दो पार्टी मिल गई और उन्होंने क्या किया कहा कि 5 साल का टेंडर होता है आधा टेंडर आप गवर्नमेंट बनाइए आधा मैं बनाई हो गया बीएसपी ने राज्य कर लिया और जब बीजेपी का आया टर्म तो बीएसपी ने कहा हम अपना सपोर्ट विड्रॉ करते हैं बट इट कैन नॉट बी दिस इज पॉलिटिकल. तो इंप्लाइडली बार में तीन तरह के हैं क्वेश्चन. पहला इंप्लाइडली बार माने बाय द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. सेकंड पब्लिक पॉलिसी एंड द थर्ड वन पॉलिटिकल क्वेश्चन. दैट्स ऑल अबाउट दिस सेक्शन. फाइव. Thank you, sir. Thank you, sir.